सारे अधिकारी उधर से जितने अधिकारी हैं हायर से लेकर सहायक अभियंता सारे देखिए या तो कल सोमवार को बता सकते हैं सोमवार को आएंगे लेकिन आपको जल स्तर का जो टाइमिंग है वो तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा वो तो आपके हाथ में बढ़ाना पड़ेगा मैं क्या करूँ अधिकारी से बात करूंगी आप हो सकता है कोई कोई सोल्यूशन आपका सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा सर बाकी आप सुपर की जनता पानी के लिए परेशान हो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सोमवार को आओ आज कोई अधिकारी नहीं दे अभी क्या है ऐसा क्या काम हो रहा है तो कल पानी का नंबर कल तो बढ़ा के दो आप फिर हम बात करेंगे सोमवार दिन कल तो बढ़ाओ पानी का टाइम कहाँ से आए ये मैं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मकान नंबर 116 हमारे यहाँ पे मुश्किल से 5 मिनट भी ये पूरा तरीके से पानी नहीं दे रहे हैं पानी की समस्या इतनी विकराल रूप धारण कर चुकी है कि बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं पेयजल का पानी तो हमें मिल ही नहीं रहा है कपड़े धोने वगैरह कोई पानी नहीं मिल रहा है वार्ड नंबर कौन सा है वार्ड नंबर 30 पहले कितनी बार शिकायत कर चुके हैं पहले 3-4 बार आ चुके हैं यहाँ पे इस कार्यालय में मटकियां भी फोड़ी गई है उसका भी इन पर कोई असर नहीं हुआ है वो 1-2 दिन पानी सही गया फिर वो की वही हालत है इनमें ये कितनी बार शिकायत कर चुके हैं आप यहाँ पे अरे चल के दिखाओ 2 दिन जिसको भी बुला ये रिकॉर्डिंग ये कितनी बार शिकायत कर चुके हैं यहाँ पे आप लोग पिछले साल से ही कर रहे हैं हम शिकायत पर अभी तक 5 साल से पानी के लिए परेशान कर रखा है पानी वालों ने हर बार गर्मी आती है और पानी का जो फ्लो है ये कम कर देते हैं हमेशा हर बार की शिकायत देंगे हर बार जब पानी का फ्लो आधा घंटा 1 घंटा देना है 15 मिनट कर देंगे 20 मिनट कर देंगे समय कम किसके कहने पे करते हैं ये टैंकर वाले को लाभ देने के लिए तो नहीं करते हैं हो सकता है चालू हो जाए हो सकता है ये वार्ड कौन सा है तुम्हारा वार्ड नंबर 30 मकान नंबर 115 विजय आहूजा पानी की क्या समस्या के लिए या कितनी बार आया ये आधे घंटे से पानी बोल के देते हैं देते 15 मिनट लिए पानी आधा घंटा पूरा कभी भी पानी नहीं दिया इन्होंने भैया जी हमारे भी हुआ है हमने बात करी थी उधर से भी दो हमारे को सप्लाई पहले उधर से भी आती थी अब इस तरह से बंद कर दी है नीचे बावड़ी से ये वाली क्यों बंद करी है सप्लाई 20 मिनट तो आपको देखना पड़ेगा सर हम हाउसिंग बोर्ड का जन्म स्थल है हमको पता है पहले हमारा 24 घंटे पानी आता था हमारा पानी कम आने की वजह क्या है वो बताओ हमारे 24 घंटे पानी आता था 24 घंटे आज हमारे को 1 दिन छोड़ के 1 दिन पानी दे रहे हो पानी के लिए हमारे को तरसा रहे हो आप ये जल विभाग वालों का ये कोई रवैया नहीं है आधा घंटा पानी दे आज हर घर वाला हाउसिंग बोर्ड में ऐसा सक्षम नहीं है जो टैंकर डलवा सके कोई घर वाला कैसा कोई कैसा है हर सक्षम नहीं है खोलने वाला और टैंकर वाले मिले हुए इसलिए वो खोल नहीं रहे बस टैंकर वालों को लाभ पहुंचाना है जाहिर सी बात है सर बाकी के 15 मिनट पानी दोगे आप क्या हाउसिंग बोर्ड क्या जनता 15 मिनट पानी में पूर्ति हो जाएगी 1 दिन छोड़ के 1 दिन जो अधिकारी है उनके घर पे तो बोरिंग है
बोरिंग नहीं होगी आपके तो सर, आपके अगर 15 मिनट छोड़ के 15 मिनट में देवे तो पानी हर दो दिन। अरे हम मीडियम वर्ग की है पानी सर। अरे पर जिसके पास आप तो हमारे साथ नहीं खड़े होने पानी के लिए मीडियम होते तो मैडम मैं आप इस एरिया में रहता हूँ तो आपके साथ खड़ा होने अभी तो चेयर पे बैठे हम आपको बोलने आए और मैडम कुछ नहीं बोल रही है तो जो जिस जो व्यवस्था करता है उसको बोलो क्या यही दिक्कत है हमारे बुलाऊंगा हर बार ये दिक्कत है पानी का बिल ही नहीं भरेंगे तो हम क्यों भरे हर महीने बता रहे हैं एक मिनट अरे एक मिनट बोलो आपका क्या यहाँ पे औधा है इस विभाग के अंदर? मैं तो जेएन के अंडर में काम करता हूँ। क्या नाम है आपका? सुरेश मेनारिया। सुरेश जी मेनारिया साहब, ये जो पब्लिक आपके पास शिकायत लेके आई है इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? ये सप्लाई का काम जो है वो पानेरू की मार्केट से किया जाता है। ठीक है, वहाँ से ही वो जेएन जो बैठती हैं सिपरा जी जैन करके, ठीक है, वो सारा जवाब वही दे सकती है। हमारे तो ये तो बिलिंग का काम है, नए कनेक्शन का काम है, बकाया कोई वसूली करनी है तो वो काम है। अच्छा, आपका डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं? जो लेना देना तो है लेकिन इस जो आप मांग कर रहे हैं उससे संबंधित रिलेटेड पानेरू की मार्केट से सप्लाई की जाती है और वो ही सारा देखते हैं वो जो जयन मैडम लगी हुई। अभी ये जो आम समस्या लेके जो जनता आई है आपके पास में, इनको कि आईएन साहब सोमवार को बधा रहेंगे। मेरी बात तो सुनो, ये इतना टाइम खराब करके आए हैं अपना सब काम छोड़ के विभाग में, अगर कोई अधिकारी नहीं है तो आप इसके बारे में कौन सा अधिकारी आप इनको जवाब देने लायक बनता है? अधिकारी नहीं है, सारे जयपुर गए हुए हैं सर, मैंने बता दिया इनको। तो इनका आना यहाँ बेवजह हुआ? बिल्कुल, आज थोड़ा सा बेवजह हुआ इनका आना, तकलीफ हुई है इनको। इनको मैंने सारी चीज बता दी है कि सोमवार को बता रहो आप, आईएन साहब आ जाएंगे, आप उनसे बात करेंगे अपन बैठ के और जो भी समस्या है उसका समाधान। अगर कोई काम अर्जेंट आता है आईएन साहब नहीं होते तो डिपार्टमेंट का ताला लगेगा यहाँ पे? नहीं सारे जवाबदारी किसकी रहेगी? जयन मैडम बैठी। जयन मैडम, आपका नाम बताए? आयुषी गुप्ता। आपका क्या यहाँ पे होता है जी विभाग में? जेएन रेवेन्यू सेक्शन। अभी ये जो तकलीफ बता रहे हैं कि अधिकारी नहीं है, आम जनता आपके पास सब कुछ समस्या का समाधान लेने आई है और आप उसको टरका रहे कि आज मत आओ, जब ऑफिसर जब आएंगे तभी हम आपका कर पाएंगे, ये अच्छा जवाब है? सॉरी मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, अभी आपके सामने बोला उन्होंने। कौन लेगा डिसीजन? कौन लेगा इसका डिसीजन? तो आपका विभाग खुला है, ताले खुले हैं, आपका रूटीन टाइम है, वर्किंग टाइम है, वर्किंग डे है, इसमें अगर कोई समस्या लेके कोई जनता आई है तो उसको जवाब कौन देगा? पानी की समस्या है, बिल्कुल है मैडम, आज की समस्या आज भी नहीं है। आज सप्लाई थोड़ी सही हुई होगी सर? नहीं हुई है, ये 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 एक पंजे जितना पानी, ये आपने बोला ना, मैं आपके सामने कहलवा दूं, ये सब जने खड़े हैं। 15 मिनट पानी आया है आज, खत्म हो गया। क्या आएगा पानी आज? 15 मिनट पानी आया है, आया होगा ना? आया तो नहीं है ना, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चलो मान लिया नहीं है, अधिकारी नहीं है टेबल पे, विभाग पे ताला लगाया क्या डिपार्टमेंट के अंदर? तो हम लगा देते हैं, काम हो रहा है ना, अगर कोई समस्या लेके आई है जनता को उसको ये जवाब दोगे कल आओ परसों आओ? चल रही है, वो पानी आ जाएगा फिर इशू नहीं होगा। ये तो पिछले साल भी यही बोला गया मैडम, वो माथुर मैडम ने आके भी यही चीज बोली हमें, माथुर मैडम आई है। सर किसी काम को करने में आप सोचते 8-9 महीने? मैम एक साल हो गया है, मेरे पास वीडियो है, एक साल पहले भी हम यहाँ आए हैं, हमारी शिकायत हम एक साल से कर रहे हैं। जब हम यहाँ आते हैं आप एक या दो दिन हमें पानी देते हो, एक सेकंड, अब मेरी एक छोटी सी बात सुनेंगे आप, जैसे हम सब जब यहाँ आते हैं वो 5 दिन का पानी फिर हमारे यहाँ सही कैसे आने लग जाता, वो पानी कहाँ से आता है? वही चीज मैं तो हम जब आते तभी पानी से आ जाता है, जैसे मन से भाई जब पानी आ रहा है, हम आए यहाँ पे पिछले साल हम आए मटके वटके फोड़े, 5 दिन तक पानी हमारे सब सही आया, तो वो पानी एक्स्ट्रा पानी कहाँ से आ गया?
और फिर बात होगी वही होगी, तो वो पानी जो हमें 5 दिन तक जो मिला तो वही साल भर क्यों नहीं दे रहे? अरे भैया मेरी बात सुनो, इस सब डिवीजन के पास में खुद का कोई प्रोडक्शन नहीं है या? हमारे को दूसरे, जैसे मैं आपके घर से मांग के लेता हूँ, हमारे को सब डिवीजन 1 से जैसमंद का पानी मिलता है। अगर वो जब उनके कोई डिफॉल्ट आता है जैसमंद में तो उनके कटौती होती है तो वो हमारी भी कटौती करते हैं। वो जैसमंद का पानी जिस दिन मिल जाता है उस दिन आपके सप्लाई सही हो जाती है। हमारा सोर्स और उनका पानी मिलने के बाद जब पानी इकट्ठा होता है तो आपको पूरा पानी मिलता है। तो हमारा इतना हमारा अकेले का जो सोर्स था जो पिछले कई सालों से बंद है जामाकोटा का, उसके लिए मैडम ने तैयारी की, दोनों आईएम जेएम सब ने मिलके अब वो चालू हुई हो रही है स्कीम। अभी शायद कल परसों उसका डिमांड जमा हुआ लाइट का, अब वो अगर स्कीम चालू हो जाएगी तो मई जून तक आपको पानी मिल जाएगा। अप्रैल मई में 2 महीने में कह रहे हैं पानी होगा तो देखे बेचारे ये भी कहाँ से लाएंगे? नहीं ये नहीं लाएंगे, खुद का प्रोडक्शन। जैसे आप लोगों को सबको लगता है, मेरे को भी लगता है भैया, मैं भी इस सीट पे बैठता हूँ, मुझे भी लगता है कि झीले भरी हुई है तो पानी उनको मिलना चाहिए, पर इनका वो झीलों वाला पानी यहाँ नहीं आता है। झीलों वाला पानी 1st 2nd 3rd वो लेते हैं यहाँ के लिए, या तो जैसमंद का पानी या जामाकोटा पिछले 12-13 साल से बंद पड़ी हुई है भाई, 2012 या 2010 से बंद पड़ी है। अब इसको चालू कराने के लिए वापस वो एंडम ने सारा किया, स्कीम बना के भेजी, सरकार ने उसको एग्री कर दिया, इन्होंने किया, वहाँ से आरएसीबी का डिमांड आया, डिमांड जमा करा रहे, काम भी चल रहा है ये लगे हुए रात दिन लगे हुए बेचारे, दोनों जगह लगे। अभी इन्होंने अल्टरनेट जब तक चालू नहीं होता है, इन्होंने चालू नहीं होता तो 2 ट्यूबवेल और खरबड़िया में खुदवाने की चल रही। अभी टंकी के लिए भाई साहब के पास गए थे कल से, टंकी की जगह भी देखी, जगह भी तो होनी चाहिए। नहीं जगह तो हमने बता दी ना, जगह होगी तो एरिया बड़ा है। देखो व्यवस्था हुई थी, टंकी एक ही थी सेक्टर 4, उसके बाद में एक नीचे सूर्या नगर बनी, एक बप्पा रावल नगर बनी, पर पानी नहीं है। पानी होगा तो भर के देंगे। अब इसमें 13 लाख लीटर पानी है, 13 लाख लीटर की जगह 8 लाख लीटर ही पानी आया तो 8 लाख लीटर ही सप्लाई करेगा। आपके घर पे मैं आऊंगा तो जो होगा वही सुनी होगी। मेरा कहने का एक व्यवस्था में लगे हुए, ये प्रोडक्शन बढ़ाए किसे बनाएंगे तो ये कोई स्कीम लागू होगी तो बढ़ेगा पानी। हमारी समस्या का समाधान अभी 2-3 महीने तक तो नहीं होगा। अब ये देखो, अब ये सामने है, या बराबर जैसमंद से पानी मिलता रहे तो आपका दिक्कत आएगी नहीं, जैसमंद का पानी कोई मिला ही नहीं बराबर कंटिन्यू। इसके लिए क्या विधायक साहब से बात करें, किसी से बात करोगे आप? जनप्रतिनिधि को सबको लगाओ, जनप्रतिनिधि तो हमारे साथ आए हैं। ये हमारे जनप्रतिनिधि पार्षद साहब है, नमस्ते। नमस्ते। ये जो अभी जो बता रहे हैं अधिकारी महोदय और ये आम जनता के बीच में जो बात हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए समस्या तो है, मेरे पार्षद बनने के करीब ये 4 साल 4.5 साल पूरे हो गए, मगर पानी की समस्या जस की तस है। डिपार्टमेंटली सारे IN डिपार्टमेंट SC डिपार्टमेंट से लगा करके सब लोगों से मिल करके आज इस स्तर पे पहुंचे कि चलो सबसे पहले मुद्दे मैंने उठाया था कि जामरकोटा का जो पानी बनता, जामरकोटा का जो पानी बनता 2016 से, तो हिरणमगी क्षेत्र के जितने भी पार्षद है जनप्रतिनिधि थे सबको लेकर के SC ऑफिस जाकर के इसका ज्ञापन दिया, तो उसका रिजल्ट ये निकला कि जामरकोटा का स्थिति ये बनी है कि आज वो करीब करीब महीने 2 महीने के अंदर अंदर चालू होने जा रही है पानी की, है ना। जामरकोटा का जैसे पानी चालू होता है उस पानी को संग्रह करने के लिए 3 टंकियां प्रस्तावित है हिरणमंगरी में, जिसके लिए 1 टंकी का प्रस्ताव हमने अभी चिल्ड्रन पार्क जो है भारती के अंदर उसको दिखाया है, एक बालाजी नगर जल विहार कॉलोनी की तरफ और एक मैनारे गेस्ट हाउस के आसपास। अगर टंकियां मिल जाती, जगह मिल जाती, टंकियां बन जाए तो हो सकता है ये हिरणमंगरी पूरा क्षेत्र, भारती से नहीं पूरा हिरणमंगरी इस पानी से लाभान्वित हो जाएगा, सारे लोगों की समस्या समाधान हो जाए। मगर वो तो चलो पूर्व की बात है, अंडर प्रोसेस है, मगर अभी वर्तमान में हम जलदाय विभाग से पूछना चाहता हूँ, ऐसे हिसाब से पूछा है, चलो टंकियां तो बनेगी, जब बन जाएगी जामरगोड़ा का पानी 2 महीने बाद में चालू हो जाएगा, हम तो प्यासे आज मर रहे हैं हमारी जनता भाई, ये है मेन चीज, पानी समस्या है, पानी पानी, ये सही बोल रहे हैं। आज पानी जनता, मेरी जनता जो परेशान हो रही है तो वो आज कल सुबह को पानी चाहिए, हमें कहाँ से मिले भाई, पानी पीकर तो चलेगी नहीं, है ना। हवा पानी रोशनी ये एक ऐसी बुनियादी सुविधा है जो जनता के लिए वो मिलनी चाहिए। मैं तो आपको मैडम बोलो ना, आपके जैसमंद का पानी 6 महीने लगा के हमारे, हम तो ये है, हम तो ये चाहते हैं कि आप कितना आ रहा है वही तो बात है, आप तो सुनो, बात करो, आप सुनिए, आप ये जिम्मेदार हो, आपकी ये नौकरी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको
आप तो ये करिए कि जनता प्यासी नहीं मरे, जनता को आपके इस डेली पर चढ़नी नहीं चाहिए, पहली बार डिमांड बनाना नहीं चाहिए उनको। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको 5:30 बजे या 5 बजे जितना भी पानी हो, अगर कंप्रेसर से है तो समय बढ़ा दो, 1 घंटा करो कम से कम। 1 घंटा में कंप्रेसर से आएगा कम से कम 1500 लीटर पानी मिल जाए, इनको पीने और नहाने की व्यवस्था तो हो जाए कम से कम। तो पीने के बगैर कैसे करें? 1 घंटा पानी बोलने के बावजूद ये 15 मिनट पानी दे रहे हैं, तो वो कहाँ का है? अब इनको तो नॉलेज में यही है कि 1/2 घंटा पानी आया, 1 घंटा का मैडम पानी आया हो तो आप बोलो जो करने के लिए तैयार है। 1 घंटा पानी आया अभी आम जनता और जनता के प्रतिनिधि ने जो आपके सामने मत करो मैडम, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो समस्या रखी है आपके सामने, जनता भी रखी, जनता के प्रतिनिधि भी आपके साथ खड़े हैं, वो आपसे सामने पूछ रहे हैं, बताएं उसके बारे में। आप एक जिम्मेदार सीट पे बैठे हैं, नहीं आप ही के डिपार्टमेंट के बंदे बोल रहे हैं कि जो आपके जो हेड है उनसे बात करके आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं क्या? इन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए साहब, अपन बोल रहे देखो विभागीय स्तर पर ट्रांसफर होते रहेंगे जाते रहेंगे, मगर जिम्मेदार कौन? वही तो भाई, पानी को संभालने का जिम्मेदार कौन? चलो इसी सब से बात करते हैं, मैं वहाँ जाता हूँ। आपके सामने जनता खड़ी है, जनता के प्रतिनिधि खड़े हैं, उन्होंने जो सवाल जवाब किया उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, वो एक डिपार्टमेंट के एक अच्छे जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, आप बताएं इसके बारे में। अब आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें तो टेक्निकल काम है, ये पानी सप्लाई उनका काम है। आपने हाथ खड़े कर दिए? मेरे संबंधी काम हुआ बोलो, मैं भी कर दूँ। आपका क्या काम है? मेरे बिल बनवाना, बिल बटवाना, कोई बकाया कनेक्शन है बकाया कटवाना। पानी नहीं दे रहे फिर भी जबरदस्ती बिल लेंगे, कनेक्शन काट देंगे? सरकार की सुविधा है सर, वो तो मुझे करना पड़ेगा। आप सरकार के नुमाइंदे हो ना, तो मेरे को जो काम देगा वो काम करूँगा। बगैर पानी के बिल काट दोगे आप? ठीक है, अच्छी बात है साहब। और आप मैडम का क्या कहना चाहते हैं? देती है मैडम से 1 घंटा का। आपके हाथ में अभी कुछ भी नहीं है, आप कुछ इसके बारे में जवाब नहीं दे सकते। पानी होगा तो देंगे ना, और नहीं बरोबर ये आप ये कहना चाह रहे हैं ना, पानी नहीं है। पानी का समय कितना है? पानी नहीं है, जितना आता है उतनी सप्लाई हम कर रहे हैं। कितनी सप्लाई है? मतलब नहीं है आपके, आप जो कह रहे हो पानी में भी में जो मैडम है या जो भी है तो उनसे बात कीजिए, एक बार उनसे हमारी बात कर रही है। आपने हमें पानी तो चाहिए ना, आपके साथ बंदे बैठे हैं कह रहे हमें पानी आ रहा नहीं आ रहा, मतलब नहीं है। हम वो बिल नहीं भरा, हम बिल हमारा काम है कनेक्शन काट देंगे। आप कह रहे हो पानी हमारे पास नहीं है, हम पानी नहीं दे सकते, ये क्या तरीका हुआ आपके डिपार्टमेंट का? यार भाई एक बात बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट व्यवस्था ऐसी हो गई है, जो ऐसी साहब थे नागौरी जी, आज से 4-6 दिन पूर्व में मिलके आया हूँ, ज्ञापन दे के आया हूँ इस पानी को लेकर के। अभी उनका ट्रांसफर हो गया, ये लो फिर नए आए। अब वापस ABCD उनको बतानी पड़ेगी कुआरों में ये समस्या हो रही है पानी की। फिर भी कोई मोहनलाल जी मीणा करके है, तो अभी सारी जनप्रतिनिधि को लेकर के मेरे साथ में लोगों को चेंज हो गए हैं, और जो यहाँ चार्ज ले रखा उनका भी ट्रांसफर। एक्शन भी चेंज है, नीचे एक्शन भी चेंज है। आप नवनीता माथुर मैडम वहां से गिर उनका भी ट्रांसफर हो गया, तीनों अधिकारी चेंज है अभी वर्तमान में। और यहाँ अभी तो आते सब पूरे कार्यशाला में गया। ठीक है मैडम, आपसे एक निवेदन है, कल जो पानी की सप्लाई होती है ना, समय बढ़ाना पड़ेगा मैडम। हाँ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, यार 2 मिनट उनको बोलने देना यार। हम तो जनता के नुमाइंदे हैं, इनकी तरफ से आपको हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी जनता प्यासी नहीं मरे, है ना? और आप जितना कर सकते हो वाल 1/2 घंटा ज्यादा खोलो, कम से कम 1 घंटा प्रेशर से नहीं आवे तो कम से कम समय बढ़ा दो। ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना? आपको कोई तोहमत नहीं लगा रहे, आपको कोई जबरदस्ती नहीं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये आपके हाथ में है। ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन फ्री होकर के काम करो, बराबर करो, पर नौकरी ऐसी करो कि जनता परेशान नहीं हो, बस हमें आपसे वाहवाही करनी पड़े। आप ऐसा काम करो, आप भी नौकरी करो, मजा नहीं आया। 1 घंटा पानी आया मैडम, 1 घंटा पानी का भी आपको बोल रहा है, अभी 1/2 घंटे से ज्यादा पानी फर्क है। फर्क